नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरी किशोर और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल किशोर टेकटॉक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी सिम को जियो में पोर्ट कराने में कितना पैसा लगता है। दोस्तों अगर मान लीजिए कि आपका एयरटेल का सिम है, आइडिया, वोडाफोन, BSNL किसी का भी सिम है जिसको आप जियो में पोर्ट कराना चाहते हो तो कितना पैसा लगेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि जब आप सिम पोर्ट कराते हो जियो में, अपना कोई भी सिम हो उसको पोर्ट कराते हो, तो हर एक टाइम में हर एक ऑफर भी चलते रहता है और आपसे अलग अलग चार्ज भी लिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि सिम आपका बिल्कुल फ्री में पोर्ट होता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो आपको रिचार्ज का जो उसमें अनलिमिटेड प्लान रिचार्ज होता है या आप FRC मारते हैं उसका पैसा लेता है, लेकिन वो भी नहीं लगता है। अभी तो जियो में पोर्ट कराने वाले को 2 महीने का रिचार्ज बिल्कुल फ्री मिल रहा है और कहीं पे बिल्कुल फ्री में पोर्ट कर देता है तो कहीं पे आपको ₹50 का चार्ज लेगा और आपको 2 महीने का रिचार्ज बिल्कुल फ्री में मिलेगा अगर आप एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, BSNL किसी का भी सिम जियो में पोर्ट कराते हो। लेकिन दोस्तों आप पोर्ट वहीं पर करवाना जहाँ रास्ते के साइड में जो सिम वगैरह बेचते रहते हैं, जियो का जो अम्ब्रेला लगा करके ऐसे बेचते रहते हैं, उसी से पोर्ट कराना। अगर आप मान लीजिए कि हाई लेवल सिटी में रहते हो, मान लो किसी मेट्रो सिटी में रहते हो जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, ऐसे जगह पे रहते हो सिटी में, अगर आप जाते हो महंगे दुकान में, अच्छे दुकान में जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा चार्ज ले लेगा, यानी कि आपको रिचार्ज का पैसा पूरा लेगा और पोर्ट कर देगा। मतलब कि सिम तो फ्री में पोर्ट करेगा लेकिन जो आपका FRC लगेगा उसका पैसा लेगा। लेकिन वही आप गांव के छोटे से दुकान पे जाते हो या जो सड़क पर सिम बेचते हुए मिल जाते हैं आपको, वहां पर जाते हो तो उल्टा आपको 2 महीना, 1 महीना का रिचार्ज भी फ्री में मिलता है और आपका सिम भी, आपका एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, BSNL कोई भी है तो उसको जियो में पोर्ट फ्री में कर देगा। तो आप कहीं भी हाई फाई जगह पे ना जाए जहाँ पे मान लो कि दुकान का बहुत ज़्यादा किराया होता है तो वो लोग आप ही पे सारा चार्ज ठोक देते हैं। उनको पोर्ट करने का जो अलग से कमीशन तो मिलता ही है, प्लस में वो लोग आपसे भी 300-400 रुपये चार्ज कर देते हैं। जो FRC फ्री में जियो के तरफ से मिलता है उसका आप लोगों से पैसा ले लिया जाता है। तो आप ऐसे में क्या करना कि आप जहाँ रास्ते पर जो सिम बेचते रहते हैं, जो जियो वाले होते हैं, जो जियो का अम्ब्रेला वगैरह लगा के बेचते हैं, वहाँ पर जियो का सिम पोर्ट कराना तो बिल्कुल फ्री में पोर्ट होगा, उल्टा आपको 1-2 महीने का रिचार्ज भी फ्री में मिल जाएगा। और आप गांव से हो तो गांव के दुकान, छोटे मोटे दुकान पे कराओगे तो वो लोग टारगेट पूरा करने के लिए आपको 2 महीने का रिचार्ज भी फ्री में देंगे या जो ऑफर चल रहा होगा 1 महीने का रिचार्ज भी फ्री में देंगे और फ्री में पोर्ट भी कर देंगे। तो दोस्तों आप इसी तरह से जियो के सिम में, जियो में पोर्ट कराने का कोई चार्ज नहीं होता है, बस आपको रिचार्ज का चार्ज अगर ऑफर नहीं चल रहा है तो देना पड़ेगा जो FRC मराता है, बाकी ये कोई चार्ज नहीं होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिला होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।